भिलाई के टाउनशिप में एक बार फिर से पानी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप में गंदा पानी आपूर्ति की समस्या पिछले 2.5 साल से लगातार बना हुआ है। जिला व निगम प्रशासन की कई बार चेतावनी के बाद भी बीएसपी प्रबंधन ने अब तक पेयजल की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं ला सका है। भिलाई इस्पात संयंत्र टाउनशिप इलाके में पानी आपूर्ति को लेकर लगातार 2.5 सालों से पानी की सफाई को लेकर बीएसपी प्रबंधन के द्वारा अब तक ठोस पहल नहीं कर पाए हैं। इसके चलते टाउनशिप वासियों को पीने के लिए पानी की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार टाउनशिप में पानी की समस्या को देखते हुए दुर्ग कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त कई बार बीएसपी के अधिकारियों के साथ बैठक कर पानी को शुद्ध करने को कहा, लेकिन अब तक उस पर ठोस पहल बीएसपी प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया। अब भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि टाउनशिप वासियों को बीएसपी द्वारा मिलने वाली मूलभूत समस्या मुहैया कराना उनकी प्राथमिकता है, लेकिन बीएसपी प्रबंधन कोई ध्यान नहीं दे रहा। जल्द से जल्द इस समस्या को दूर नहीं किया जाता तो सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, ऐसा है कि बीएसपी प्रबंधन का जो रवैया है ये पिछले समय में तो कभी हमने देखा नहीं। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी के प्रदेश में, तब तक बीएसपी प्रदेश की सरकार से समन्वय बना के चलती थी। आज मैं देख रहा हूँ टाउनशिप के अंदर बिजली की समस्या, पानी की समस्या, लोगों को ज़बरदस्ती डराकर, धमकाकर उनके घरों को खाली कराया जा रहा है। तो बीएसपी का ये रवैया तो देखा नहीं मैंने पहले कभी। ये बीएसपी का रवैया भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार होने के कारण भिलाई में दिख रहा है और भिलाई के आम नागरिकों को तकलीफ हो रही है। इस मामले में मेरी जिला प्रशासन और बीएसपी प्रबंधन से निरंतर चर्चा हो रही है। बीएसपी अगर अपने रवैये को चेंज नहीं करती तो हम उग्र आंदोलन की ओर जाएंगे। बीएसपी हमारे टाउनशिप में जो रहवासी हैं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को की पूर्ति उनको करनी पड़ेगी। उनकी मूलभूत चीज़ों को उनको ध्यान देना पड़ेगा। स्वच्छ पानी देना, बिजली देना, सफाई व्यवस्था, ये बीएसपी का काम है। लेकिन अगर वो बीएसपी राजनीतिक ढंग उठा लेगी, बीएसपी मोटिवेट होकर जानबूझकर काम नहीं करेगी, तो इसको हम लोग होने नहीं देंगे। हम बीएसपी से लड़ेंगे इस मामले में। तो मैंने इस विषय पे चर्चा की। आने वाले समय में अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम आंदोलन की ओर जाएंगे। बीएसपी के टाउनशिप एरिया में शुद्ध पेयजल का संकट है। ऐसी परिस्थिति में भिलाई नगर निगम के द्वारा सेक्टर 4 बोरिया मार्केट में वाटर एटीएम लगाया गया। भिलाई निगम के महापौर नीरज पाल ने कहा कि बीएसपी प्रबंधन टाउनशिप वासियों को शुद्ध पेयजल देने से वंचित है। लगातार बीएसपी प्रबंधन से बातचीत किया जा रहा है। बीएसपी प्रबंधन को जल्द से जल्द पानी को शुद्ध करने के लिए कहा गया है। देखिए, गंदे पानी की जो समस्या टाउनशिप में पिछले साल इन्हीं दिनों में हुई थी, उस समय बीएसपी प्रशासन के साथ मिलकर, जिसमें जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय भी थे, हमारा नगर निगम आयुक्त प्रशासन भी था, हम लोगों ने उस समय उसको किस वजह से आ रहा है वो सब ढूंढ के समस्या को उसको निदान करने की कोशिश की थी, जिसके कारण बहुत दिनों तक ये पानी ठीक भी रहा। लगातार कोशिश के बाद पानी लगभग 10-11 महीने बिल्कुल ठीक हो गया था। अभी फिर से कुछ दिनों से प्रॉब्लम आ रही है और लगातार हम लोग भिलाई नगर निगम प्रशासन के संपर्क में हैं। कल भी रात में मेरी ईडी महोदय और सीजीएम साहब से बात हुई है, वो लोग भी उसमें उसको ले के चिंतित हैं और काम कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने बताया है कि उन्होंने किसी कंपनी को काम दिया हुआ है जब से प्रॉब्लम आई 10 महीने से, तो उसमें कुछ जो पानी को फिल्टर करने के लेके जो बातें होती उसको लेके प्रक्रिया में कुछ दिक्कत आ रही थी, और कल भी मेरे को अधिकारियों ने बताया कि हम लोग उसको 1-2 दिनों के अंदर वो कर लेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।